सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, यू आर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन सामने आ रहा है, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कैलकटा यूनिवर्सिटी के और भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे। होपफुली अदर यूनिवर्सिटीज कैलकटा यूनिवर्सिटी को ही फॉलो करेंगे क्योंकि सभी का टाइम 2 आवर्स है। वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी भी बोल दी है कि 11 बजे से 1 बजे तक एग्जाम होगा, 2 आवर्स का एग्जाम होगा। एंड कैलकटा यूनिवर्सिटी से 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम होगा, ऐसा ही बोला गया है। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि आपका क्वेश्चन पैटर्न का क्या होगा। तो अभी क्वेश्चन पैटर्न कैसा हो सकता है, हम लोग इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। अभी कुछ सब्सक्राइबर मुझे पर्सनली बोले थे, ईमेल आया था, एंड मेरे खुद का सोर्स से भी मैंने पता लगाया है, बहुत सारा कॉलेजेस से बात किया और वहां से क्या पता चल रहा है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, होपफुली आपका विद इन 2 डेज आपको ऑफिशियली भी नोटिस मिल जाएगा कि आपका कैसे क्या क्या फॉर्म में आपका एग्जाम होगा। पर आज हम लोग अप्रोक्स जानेंगे कि क्या आपका हो सकता है और होपफुली यही आपका फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज से यही बोला जा रहा है कि आज डिसीजन वही लिया गया है। तो क्या डिस्कस किया जा रहा है मैक्सिमम कॉलेजेस से, मैं आपको इस वीडियो में बोलूंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक मस्ट देखना, और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए वन बाई वन जान लेते हैं कि कॉलेजेस क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, कैसे एग्जाम हो सकता है। देखिए अभी सबसे ज्यादा जो चांस है कि आपका जो एग्जामिनेशन है फुल एग्जामिनेशन ही आपका होगा, पर कैसे होगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था। पहले आप क्वेश्चन कर रहे थे कि आपका फुल एग्जाम होगा 100 नंबर का या फिर जितना नंबर का एग्जाम होता था वही होगा या नंबर रिड्यूस हो जाएगा, नंबर कम नंबर का एग्जाम होगा। तो कम नंबर का आपका एग्जाम नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स का ही एग्जाम देना पड़ेगा। पर वहां पे एक ट्रिक्स है जो ट्रिक्स के लिए आपका 100 नंबर का एग्जाम देने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे, सपोज पकड़ लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन सेक्शन ए पकड़ लीजिए, आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में पकड़ लीजिए आपका 2 मार्क्स करके क्वेश्चन था, आपको 8 क्वेश्चन करना पड़ता था। और सेक्शन बी में पकड़ लीजिए आपका 5 नंबर करके किसी का क्वेश्चन था, या फिर जो बड़ा क्वेश्चन रहता है आपका 10 मार्क्स करके आपका जो क्वेश्चन था वो आपको 2 या 3 आपको करना पड़ता था। तो ऐसा है सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर करके था वही क्वेश्चन आपका 4 नंबर करके कर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर करके था वही क्वेश्चन आपका आप बोल सकते हैं 10 नंबर कर दिया जाएगा, या फिर 10 नंबर अगर किसी क्वेश्चन में था तो उसको 20 कर दिया जाएगा। एंड आपको लिखना उतना ही पड़ेगा, मतलब हो सकता है आपको वर्ड लिमिट दे दिया जाए अगर बड़ा क्वेश्चन हो, पर वो आपका डिपेंड करता है कि कौन सा आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं। बीएससी के लिए पॉसिबल नहीं है, बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉसिबल है वर्ड लिमिट करवा दिया जाए, पर जो बीएससी या फिर बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्ड लिमिट नहीं रहेगा। उनको ये बोल दिया जाएगा कि आप ये एग्जाम दीजिए, जैसे आप 10 मार्क्स में लिखते थे वैसे ही एग्जाम दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको जो मार्क्स रहेगा वो आपका 20 रहेगा। आप लिखेंगे 10 मार्क्स की तरह ही जितना आप लिखते थे, पर आपको नंबर दिया जाएगा 20 में, कैलकुलेट होगा आपका 20 में। तो 50 नंबर अगर आप एग्जाम दे तो उससे 50 नंबर से आपका कैलकुलेट होगा 100 मार्क्स। आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम का वॉल्यूम जो होगा 50 होगा एंड आपका नंबर जो होगा वो होगा 100। तो यही एक्चुअली बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है क्या सभी एग्जाम के लिए ये किया जाएगा, सभी एग्जाम के लिए ये किया नहीं जाएगा। जिनका 2 घंटा का ही एग्जाम होता था, जितना भी मार्क्स का हो, तो 2 घंटा का जितना जिनका एग्जाम होता था उनका कोई भी चेंज नहीं होगा। जिनका 4 घंटा का क्वेश्चन पेपर था, 4 घंटा में उनको आंसर लिखना पड़ता था, पर उनको 2 घंटा में अभी लिखना पड़ेगा, उनके लिए ये बोला गया है। सपोज पकड़ लीजिए आपका पेपर 5, पेपर 6 या फिर पेपर 7, तो पेपर 7 में आपको जो लिखना पड़ता था आपको 2 घंटा का ही आपको एग्जाम था, तो वो आपको जैसे एग्जाम था नॉर्मली एग्जाम वैसे ही आप देंगे, वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। जहां पर 4 घंटा का एग्जाम था या फिर 3.5 घंटा, 3 घंटा, मतलब 2 घंटा से अबव जहां पे आपका आप बोल सकते हैं टाइम दिया जाता था एग्जाम पेपर लिखने में, अभी 2 घंटा देने के लिए उसको ऐसे देखा जा रहा है। आपका नंबर सेम रहेगा, मार्क्स सेम रहेगा, पर आपको लिखना पड़ेगा 50 मार्क्स का, आपको नंबर मिलेगा 100 मार्क्स का। होपफुली मैं आपको समझा पाया हूं। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। सपोज पकड़ लीजिए सेक्शन ए में आपका जो 2 नंबर करके क्वेश्चन है 10 आपको करना पड़ रहा है, सेक्शन बी में 5 नंबर करके क्वेश्चन है आपको 10 करना पड़ रहा है। तो यहां पे आपको 10 या 5 आपको करना पड़ रहा है। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में आप जितना लिखते थे उतना ही लिखेंगे, पर वहां पर मार्क्स आपका कर दिया जाएगा 4 मार्क्स। समझ में आ गया, 4 इंटू जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना आपका कैलकुलेट होगा। अब जो सेक्शन बी है वहां पर क्या होगा,
पांच नंबर का जो क्वेश्चन था, 5x5 क्वेश्चन अगर आपको करना पड़ता है तो 25 मार्क्स कैलकुलेट होता है, तो वहां पे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन को 10 मार्क्स कर दिया जाएगा, पर आपको लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स में आप जितना लिखते थे उतना ही आपको लिखना पड़ेगा, तो आप 50 मार्क्स का एक्चुअली एग्जाम देंगे, 50 मार्क्स की तरह ही आप लिखेंगे, पर आपका नंबर कैलकुलेट होगा 100 मार्क्स से, आप बोल सकते हैं रिलेटेड, मतलब 100 मार्क्स में आपका कैलकुलेट होगा, पर एग्जाम देना पड़ेगा आपको 50 मार्क्स का। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है, मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया कैसे आपका क्वेश्चन पैटर्न हो सकता है। अब हर एक यूनिवर्सिटी वन बाय वन अपना क्वेश्चन पैटर्न निकालेंगे, बोलेंगे, वहां पे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। इन डिटेल्स मैंने बेसिकली सीयू के रिलेटेड ही मैंने बोला है, अदर यूनिवर्सिटीज भी होपफुली ये मैटर में सीयू को फॉलो करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना, ऐसे ही आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एडुकेशनल न्यूज टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो का यही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।